हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर्स इन बांग्लादेश। देखिए कहानी कहां तक पहुंच चुकी है। कहानी में हमने क्या देखा, कहानी में हमने देखा कि हिमालयन रिवर्स जो है तो उसमें इंडस रिवर सिस्टम को समझा, अलग थी, वेस्ट फ्लोइंग थी, पूरा एक साथ हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, गंगा रिवर सिस्टम देखा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखा। अब गंगा रिवर सिस्टम में हमने देखा कि गंगा रिवर फ्लो होती है, फ्लो होते हुए आती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ब्रह्मपुत्र में भी हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र फ्लो होते हुए आती है और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है। दोनों रिवर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन क्या हो गई, दोनों रिवर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन हो गई बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ हो जाता है, सुंदरबन डेल्टा बन जाता है। तो उसी डाउट को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हो जाएगा, मतलब सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो गंगा रिवर क्या है, फरक्का बराज के बाद में, ठीक है, ये गंगा रिवर थी, ये मान लो यहां पे फरक्का बराज है, ये फरक्का बराज है, जो ब्लैक कलर दिख रहा है आपको ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश की बॉर्डर हो गई। तो गंगा रिवर जो इंडिया से फ्लो होते हुए आ रही है अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ में, गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करने से पहले, मतलब फरक्का बराज से पहले एक ट्रिब्यूटरी अलग निकाल देती है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटरी एक अलग निकाल देती है और फिर वो एंटर कर जाती है कहां पे, फिर वो एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, ठीक। अब जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो इतना जो पार्ट है, ठीक है, इतने पार्ट को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। मतलब गंगा रिवर जब बांग्लादेश में क्या करती है, एंटर कर जाती है, तो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। ये नामकरण हो गया, ठीक है, नाम बदल जाता है, बस रिवर वही रहेगी, पानी भी वही रहेगा। आप आपकी पानी में नाव यहां से डालोगे तो बांग्लादेश में निकल जाएगी, तो आपकी नाव का नाम नहीं बदलेगा, ठीक है। बाकी नदी का नाम क्या रहता है, पद्मा, पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में गंगा, ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्रा है, देखो मैप पे देखो, ये गंगा गई और ये गंगा बांग्लादेश में एंटर कर गई, ये यहां से, ठीक है। तो यहां से जब वो एंटर करती है इतनी, तो इतने पार्ट को पद्मा नाम से जाना जाता है। अब ये ब्रह्मपुत्रा हमारी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के भी 8-10 नाम है, यहां पे सैंगपो नाम से जानी जाती है, टी साइलेंट उसमें, ठीक है। तो ये सैंगपो, फिर वो एंटर जब करती है इंडिया में तो एंटर करने पर वो किस नाम से, दिहांग, दिहांग नाम के बाद में आगे बढ़ती जाती है ब्रह्मपुत्रा असम, ठीक है, तो असम में वो ब्रह्मपुत्रा नाम से जानी जाएगी। अब जैसे ही वो असम के बाद में बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है, ये यहां से मतलब बांग्लादेश में एंटर कर गई वो, ठीक, यहां से हम देखते हैं तो ये ब्रह्मपुत्रा जो आ रही है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में ये जो इतनी नदी है इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जमुना बोला है मैंने, यमुना नहीं, ठीक है, जमुना, जे फॉर जग वाला जमुना। तो यहां पे ये जमुना नाम से जानी जाती है, कौन सी रिवर जमुना नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा। हमारी ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में क्या है, जमुना है, ठीक है, तो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है, क्लियर है। फिर आगे देखो क्या है, फिर क्या होता है कि ये पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती है, ठीक, देखो यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये आ गई पद्मा, ये आ गई जमुना। अब पद्मा और जमुना जब दोनों आगे बहती है साउथ की टूवर्ड्स, ठीक है, नीचे बहते जा रही है, ये यहां पे जब दोनों मिलती है और मिलने के बाद में एक बड़ी सी नदी बन के बहती है, ठीक है, तो इसका इसका जो बेड है वो और बड़ा हो जाएगा, देखो हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो पद्मा और जमुना बांग्लादेश में क्या होती है, कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज होने के बाद में जो बड़ा सा बेड बना के बहती है वो, तो तब वो रिवर किस नाम से जानी जाती है, मेघना, जो हमने आपको गंगा रिवर सिस्टम के टाइम पे पढ़ाया था, तब वो मेघना नाम से जानी जाती है। और मेघना आगे फ्लो करती है, डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, और वो फिर वो ड्रेन कहां पे होती है, ड्रेन होती है वो अरेबियन सी में। तो आई होप आपको अब ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की जो केमिस्ट्री थी वो समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ा है हमने, किस चीज पे, हिमालयन रिवर्स में, इंडस भी कंप्लीट, गंगा भी कंप्लीट, इंडस और ब्रह्मपुत्रा भी कंप्लीट, और उसी के साथ साथ में जो बांग्लादेश वाली कंट्रोवर्सी थी, मतलब जो डाउट थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्लियर है। तो रिवर्स इन बांग्लादेश हमारी कंप्लीट होती है यहां पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो पेनिनसुलर रिवर्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी रिवर्स हैं, और फिर वन बाय वन सारी रिवर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।